Now this is the supposition. Suppose we have the following data set with three variables. These are the hypothetical variables, which we have That is, X one is the expenditure, X two is the expense, and X three is the household income, and five observations. So we three different variables. वेरिएबल्स क्या थे हमारे पास एक्सपेंडिचर एक्सपेंस एंड दाउस होल्ड इनकम फाइव डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मीन फाइव डिफरेंट लोगों से हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है मैं इसको इंडिविजुअली चेक करूंगी तो दिस इज कॉल्ड दी वेक्टर ये मेरे पास क्या होगा वेक्टर वन वेक्टर टू एंड दिस इज वेक्टर थ्री और अगर मैं इसे कलेक्टिवली लेगी दैट इज द मैट्रिक्स तो दिस इज द एक्स वन हमने कंसिडर कर दिया एक्सपेंडिचर ओके स्टूडेंट वन मोर पॉइंट इज दिस कि अगर मैं ले रही हूँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और मैं कह रही हूँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इट मीन्स कि एक्स वन किसी ना किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स टू मीन्स किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम जनरली एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कहते हैं उसके बिहाइंड ये होता है कि वो किसी ना किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं नाउ नेक्स्ट उसने क्या करना है हमने टू कैलकुलेट द मीन वेक्टर हमने क्या करना है बेसिकली फाइंड करना है मीन वेक्टर और थोड़ा सा हम इसमें वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स का भी टच ले लेते हैं हम वो भी चेक करते हैं तो टू फाइंड दी मीन वेक्टर वी कंप्यूट द एवरेज ऑफ ईच वेरिएबल अक्रॉस ऑल ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने एवरेज फाइंड किए ईच वेरिएबल अक्रॉस ऑल ऑब्जर्वेशन तो अगेन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मैं सिंगल कॉलम ले रही हूँ दैट इज कॉल्ड द वेक्टर और कलेक्टिवली हमारे पास ये हो जाएगा मैट्रिक्स ओके सिंगल कॉलम की आपके पास डायमेंशन कितनी हुई अगर मुझे वेक्टर की डायमेंशन देखनी है तो सिंगल कॉलम की बेसिकली कितनी डायमेंशन हो गई वी हैव हाउ मेनी रोज फाइव रोज एंड वन कॉलम ओके इज फाइव रो एंड वन कॉलम फाइव रो एंड वन कॉलम दिस इज दैक्टर सिंगल मैंने लिया और मैं अब इसे कोलेक्टिवली मैट्रिक्स बना रही हूं तो मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी होगी आपके पास हाउ मेनी रोज वी हैव फाइव रोज एंड हाउ मैनी कॉलम वी हैव थ्री कॉलम तो ये आपके पास मैट्रिक्स की डायमेंशन हो जाएंगे नो फर्दर कैलकुलेट द मीन वैक्टर अब मीन वैक्टर हमने इसका कैलकुलेट करना नो दिस इज द मीन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अब मैं अगेन वेरिएबल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस हाउस होल्ड इनकम नहीं बोल रही हूं मैं क्या कह रही हूँ द मीन ऑफ एक्स वन क्योंकि हमने उसको लेट कर लिया है कि एक्सपेंडिचर कौन एक्स वन कह रहे हैं मीन ऑफ एक्स टू एंड मीन ऑफ एक्स थ्री मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन वैक्टर इज दिस हमारे पास मीन वैक्टर कैसे लिखते हैं स्मॉल एक्स बार स्टैंड फॉर मीन वैक्टर और वैक्टर के लिए इस पे साइन हमने नीचे डाला दिस इज दीन वैक्टर कोलेक्टिवली हमारे पास क्या हो गया दिस इज द्री पॉइंट फोर किसका एक्स वन का दिस इज फॉर एक्स टू एंड दिस इज फॉर एक्स थ्री तो उससे हमने कैसे लिखा दिस इज द मीन वैक्टर वैक्टर की फॉर्म में हमने उसे लिखा है अब फर्दर अगर हम इसका वेरियंस फाइंड कर रहे हैं हम इसकी को वेरियंस फाइंड हैं नो दिस इज द टॉपिक ऑफ द मीन वैक्टर एंड देरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स तो मीन वैक्टर तो हमें आइडिया हो गया हमने कैसे फाइंड करना है न्यूमेरिकली देन वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स

Pairs के बिटवीन हमने को वेरियंस चेक करना फर्स्ट वी विल फाइंड दस ऑफ एक्स वन अगेन मैं आपको कह रही हूं कि मैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ले रही हूं एक्स वन के बिहाइंड कोई ना कोई वेरिएबल है एक्स टू के बिहाइंड वेरिएबल नेम होगा तो बार बार नेम लेने से बेटर है हम उसकी नोटेशन ले लेते हैं वेरियंस ऑफ एक्स वन कैसे वेरियंस फाइंड करते हैं यू नो दैट हर वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करके हमने स्केयर लेना है वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर तो फर्स्ट आपके पास क्या था दिस इज द फर्स्ट वैल्यू 1.2 माइनस इट्स मीन 3.4 ओके 1.2 3.4 मीन होल स्क्वायर सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस मीन होल स्क्वायर थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस मीन होल स्क्वायर अप टू सोन डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज थी फाइव वैल्यूज थी बट हमने यहां पे फोर लिखा तो so, वेरिएंस कैसे होता है क्या हम उसको डिवाइड करते हैं एन माइनस वन के साथ ठीक है एन माइनस वन के साथ डिवाइड करने के लिए टोटल फाइव ऑब्जर्वेशन थी एन माइनस वन मीन फोर तो वेरियंस ऑफ एक्स वन आ गया हमारे पास थ्री पॉइंट टू सिक्स अगेन वेरियंस ऑफ एक्स टू अब सेकेंड हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है सेकेंड हमारे पास वेरिएबल है एक्स टू एक्स टू आपके पास है थ्री पॉइंट फोर माइनस इट्स मीन तो हमारे पास क्या हो गया थ्री पॉइंट फोर माइनस इट्स मीन फाइव पॉइंट सिक्स हर ऑब्जर्वेशन को हमने उसके मीन में से माइनस कर दिया फाइव डिवाइडेड बाई फोर तो ऑफ ऑफ देन अगेन हम क्या करते हैं हमारे पास थर्ड वेरिएबल है पॉइंट एट देन देन इसको हमने माइनस कर देना है किस में सेवन पॉइंट एट में से मीन में से फाइव पॉइंट सिक्स माइनस इट्स मीन होल अगेन मीन सेवन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई फोर क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन फाइव है एन माइनस वन के अकॉर्डिंग फोर तो वेरियंस आ गया थ्री पॉइंट जीरो वेक्टर अब भी फाइंड कर लिया वेरियंस भी हमारे पास फाइंड हो गया देन हमने क्या करना है इनके कंबाइंड चेक करना है को वेरियंस को वेरियंस बिटवीन एक्स वन एक्स टू बिटवीन एक्स वन एक्स थ्री एंड लास्ट बिटवीन एक्स टू एक्स थ्री को Now, this is the covariance between x1 and the x2. A covariance between x1 variable and x2 variable ke between. Now the variable 1x1 is 1.2 and its mean 3.4. Okay. And the next variable is 3.4 minus its mean 5.6. Now look at this: 1.2 minus 3.4, 3.4 minus 5.6. So this is the covariance between the x1 and the x2. सिमिलरली इसी तरह हम सारी वैल्यूज लेंगे एंड द फाइनल रिजल्ट इज द माइनस वन पॉइंट वन सिक्स को वेरियंस की वैल्यू नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकती है बट देंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि वेरियंस केयरफॉर्म में होगा ना नेक्स्ट इज द को वेरियंस बिटवीन एक्स वन एंड द एक्स थ्री वन एंड थ्री के बिटवीन हमने चेक करना है ना द वन इज वन पॉइंट टू एंड द थर्ड एक्स थ्री के साथ हमने चेक करना है थ्री पॉइंट फोर फाइव पॉइंट सिक्स माइनस सेवन पॉइंट एट वन एंड थ्री के बिटवीन हमने को वेरियंस चेक की सो वन पॉइंट टू माइनस इट्स मीन थर्ड वेरिएबल माइनस इट्स मीन अगेन हमने इसी तरह सारी ऑब्जर्वेशन ली एंड द फाइनल रिजल्ट ऑफ द को वेरियंस बिटवीन एक्स वन एक्स टू इज द टू पॉइंट फोर सेवन फाइव एंड द लास्ट इज द को वेरियंस बिटवीन एक्स टू एंड द एक्स थ्री एक्स टू एंड एक्स थ्री के बिटवीन हमने को वेरियंस चेक करना है एंड दैट इज एक्स टू थ्री पॉइंट फोर माइनस इट्स मीन फाइव पॉइंट सिक्स एंड एक्स थ्री फाइव पॉइंट सिक्स माइनस इट्स मीन सेवन पॉइंट एट लुक एट दिस सिमिलरली हमने सारा रिजल्ट इसी तरीके से जनरेट कर लिया डिवाइडेड बाय फोर क्यू फोर बिकॉज कि हमने एन माइनस वन टर्म्स लेनी है एंड द फाइनल रिजल्ट इज दीरो वन वन अब हमारे पास क्या हो गया मीन वैक्टर भी आ गया वेरियंस भी हमने फाइंड कर लिए एंड देन कोवेरियंस भी कर लिया अब वो जो हमारे पास है ना वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स जिसको हम कहते हैं सिगमा दिस इज दस को वेरियंस मेट्रिक्स सिग्मा क्या डायमेंशन थी क्योंकि अब हमने थ्री क्रॉस थ्री हमने सारा लिया है ना उसको हमने सिलेक्ट कर लिया तो वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स में हमारे पास सिगमा आ गया ये फर्स्ट हमारे पास क्या होती है ये डायगनल एलिमेंट दीज आर दी ठीक है अभी हमारे पास प्रीवियस वेरियंसेज आए हैं वेरियंस ऑफ थ्री पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स एंड थ्री पॉइंट तो डायग्नल में हमने क्या लिखा है वेरियंसिस ऑफ डाइगनल ऑफ डाइगनल हमारे पास वैल्यूज कौन सी होती हैं दैट इज द को किसकी कोवेरियंस है बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू और ये कोवेरियंस आपके पास किसके बिटवीन आ जाएगी बिटवीन एक्स वन एक्स थ्री तो हमारे पास क्या हो गया डायगनल में वेरियंसिस ऑफ डायग्नल में हमारे पास कोवेरियंसिस और ये को वेरियंस किसकी है बिटवीन एक्स टू एक्स थ्री ओके अब हमारे पास को वेरियंस हमने निकाली दिस इज दाइनस वन पॉइंट वन सिक्स टू पॉइंट फोर सेवन फाइव वन पॉइंट वन जीरो तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे एडजस्ट करती हैं दिस इज दुमेरिकल एप्लीकेशन ऑफ द मेन वैक्टर एंड दस को वेरियंस मेट्रिक किसकी हमने फाइंड की अगेन एक्स वन एक्सपेंडिचर एक्स टू एक्सपेंस एक्स थ्री हाउस होल्ड इनकम और स्टूडेंट अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बार बार कहेंगे हमने हर दफा वेरिएबल के नेम्स नहीं ने रिकॉर्ड करने होते हैं हम जस्ट उसकी न्यूटेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो x1 वन मीन्स की वो कोई ना कोई उसके बिहाइंड वेरिएबल जरूर होगा x2 टू मीन्स कि उसके बिहाइंड को वेरिएबल है तो अब हमने क्या देखा हमने इस डेटा की मीन वैक्टर चेक किए वेरियंसिस चेक किए को वेरियंसिस चेक किए और उसको हमने एडजस्ट कर दिया है वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स में एंड दिस इज दीन वैक्टर एक्सपार अब यह एक्सपार कौनसेप्ट ट्रांसपोज है मैं इसका ट्रांसपोज अगर रिमूव करूँ तो ट्रांसपोज ले लेती हूँ दिस इज द थ्री पॉइंट फोर रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गई फाइव पॉइंट सिक्स एंड द लास्ट सेवन पॉइंट एट तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई मीन वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी गिवन डेटा के अकॉर्डिंग सो दिस इज एक्साम्पल ऑफ द मीन वैक्टर एंड द देंस को